अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक ही होंगे। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। आज भी मैं हमेशा की तरह आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लोबिया पुलाव लेकर आई हूँ। पुलाव तो आपने बहुत सिखाई होंगी, मगर लोबिया पुलाव ज़रूर बनाकर देखना। इंशाल्लाह आपकी फ़ैमिली को बहुत पसंद आएगी और आप ख़ानदान भर में मशहूर हो जाएंगे। चले अब हम चलते हैं किचन की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हमेशा की तरह न्यू रेसिपी और एनर्जी से भरपूर। ये लोबिया हमने लिया है एक पाव, इसकी हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार पुलाव। सबसे पहले हम इसको उबाल लेंगे 4-5 मिनट के लिए। भिगो कर रख दिया था मैंने इसे 2-3 घंटे पहले, मीठा थोड़ा डालकर। माशाल्लाह ये फूल का डबल हो चुका है। अब हम आते हैं चावलों की तरफ। चावल हैं हमारे 1/2 kg, बड़े वाले चावल हैं ये। भिगो दिया है मैंने इन्हें 2 घंटे पहले। इनका ये पानी निकाल कर फेंक देंगे और इन्हें भी आज मैं उबाल कर चावलों की पुलाव बनाऊंगी। रख दिया है मैंने चावल उबालने के लिए। अब मैं कुछ गर्म मसाले डाल दूंगी, खड़े, तेज़पत्ता, लौंग, ज़ीरा, काली मिर्च साबुत और 2-3 टेबलस्पून ऑयल। इससे हमारे चावल चमकदार बनेंगे। और नमक डाल देंगे हम फुल भरकर चमचा, क्योंकि ये पानी तो हमने फेंकना ही है। पानी उबल चुका है माशाल्लाह, अब हम चावल डाल देंगे। चावलों को उबलते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं। माशाल्लाह चावल हमारे हो चुके हैं, बस एक कनी बाकी है। अब हम इन्हें निकाल कर छान लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कढ़ाई हमने रख ली है। अब हम ले लेंगे 1 कप ऑयल। जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है हम आपको मसालों से मिलवा देते हैं। इमली के 2-3 दाने, नमक 1 टेबल स्पून, तेज़पत्ता और ये 1 चुटकी जायफल जावित्री, दोनों मिक्स हैं, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, छोटी इलायची, 3 लौंग, दालचीनी का टुकड़ा, ये काली मिर्च, ये पिसी हुई काली मिर्च पाउडर, काली इलायची, ज़ीरा 1 टेबल स्पून और थोड़ा सा ये हमने चिकन पाउडर लिया है और 1/2 टीस्पून गर्म मसाला। इधर हमने लोबिया रख दिया था उबलने के लिए, नमक डालकर। लोबिया भी हमारा माशाल्लाह उबलने ही वाला है, उबलकर डबल हो चुका है। इसका भी हम पानी निकाल कर फेंक देंगे। और माशाल्लाह ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम 1 प्याज मैंने लिया था मीडियम, वो भून लेंगे। 6-7 हरी लाल मिर्च, ये भी हम इसमें डालेंगे, हमने चॉप की है। लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, चॉप किया हुआ अदरक 1 टेबल स्पून, 1 बड़ा सा टमाटर, हर टमाटर की जगह दही भी ले सकते हैं। अभी हम ये मसाले डाल लेंगे इसमें और उनकी भुनाई हम बगैर पानी डाले करेंगे। मसाले की भुनाई हो चुकी है माशाल्लाह, अब हम डाल लेंगे लोबिया। लोबिया भी हमारा माशाल्लाह गल चुका है। इंडिया की ज़ुबान में इसे कहते हैं राजमा, हम कहते हैं लोबिया। राजमा की भी भुनाई हो चुकी है, अब हम इसमें डाल लेंगे पानी। 1 गिलास पानी डालकर, ये वही पानी है जिसमें हमने चावल बॉयल किए थे। ये गर्म है पानी इसलिए हमने ये डाल लिया। थोड़ा ठंडा पानी डालेंगे तो हमारा लोबिया दोबारा से सख्त हो जाएगा। लोबिया को हम पकने देंगे पानी खुश होने तक, ताकि मसाले का टेस्ट हमारे लोबिया में आ जाए। माशाल्लाह पानी जल चुका है, राजमा हमारा भुनाई पर है। अब हम डाल देंगे 2 हमने ये मिर्च काट कर ली हैं और 2-3 साबुत, 2-4 पत्ते पुदीने के, ये डाल देंगे और इसकी हल्की सी भुनाई करेंगे। भुनाई हमने कर ली है। जब आपको इतना पानी नज़र आए, यानी कि उसमें से लोबिया साफ साफ नज़र आ रहा हो, तो उस वक्त आपने चावल डालने हैं। अब हम चावल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पुलाव आपको बीफ, मटन, मछली पुलाव, चिकन पुलाव सबसे ज़्यादा एनर्जी से भरपूर मिलेगी इंशाल्लाह। फ्लेम अब हम कर देंगे लो और इन्हें हल्का सा कर देंगे मिक्स, बहुत ज़्यादा इन्हें मिक्स नहीं करेंगे। वाइट चावल नज़र आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है पुलाव। 1/2 प्याली हम उबले हुए चावलों का पानी डाल देंगे, ताकि ऊपर ऊपर से चावल हमारे खुश्क ना रहें। और 3-4 टेबलस्पून हम डाल देंगे ऑयल। इससे हमारी पुलाव, हमारा पुलाव है या पुलाव है, चमकदार बनेंगे और सॉफ्ट और नरम बनेंगे। आप दम पर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। कैप लगा दिया है हमने, इस तरह से हम टावल लपेट कर और ऊपर रख देंगे वज़न, तवे पर रख दिया है हमने। इंतज़ार की घड़ियां हो गई हैं ख़त्म, चावल हमारे माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेडी हैं। अब हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम निकाल लेंगे, सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटपटा हमारा ये मसालेदार लोबिया का पुलाव। अगर आपने एक बार बनाकर खा लिया तो इंशाल्लाह मटन पुलाव, बीफ पुलाव, चिकन पुलाव, सब पुलाव को खाना भूल जाएंगे। एनर्जी से भरपूर हमारा ये मज़ेदार पुलाव बनाने की रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।